ये मारा कैसे तूने? तूने हाथ कैसे उठा रहा? किसी भी क्राइम को रोकना पुलिस का काम होता है। जब भी किसी के घर चोरी होती है सब पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन अब जिस घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो आपके होश उड़ा देगी। घटना मधुबनी के एक इलाके की है, जहाँ कुछ चोरों ने एक पुलिस वाले के घर में ही चोरी कर दी और चोरी में घर से कीमती सामान और पुलिस राइफल चुरा कर 9-2-11 हो गए। पुलिस वाला छुट्टियों के लिए अपने गांव गया हुआ था। जब चोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और इस स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। पुलिस के घर पे ही कोई चोरी कर सकता है, इसका शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज के समय में अगर किसी को किसी तरह के लोन या पैसों की जरूरत पड़ती है तो कई सारी कंपनीज उन्हें लोन देने के लिए तैयार बैठी है। उन कंपनीज के अपने टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, जिसे कोई भी जरूरतमंद आदमी उस वक्त एक्सेप्ट कर लेता है। और लोन देने के बाद टाइम पर वापस न करना बहुत गलत बात है, लेकिन इसके लिए कंपनीज जो करती है वो तो बहुत ज्यादा गलत होता है, क्योंकि ये कंपनीज रिकवरी एजेंट्स हायर करती है, जिन्हें आसान भाषा में वसूली के गुंडे भी कहा जा सकता है। टाइम पर पैसा वापस न देने पर ये रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, ये आप खुद ही देख लीजिए। फोन ना तू उठाता नहीं, फोन ना जवाब नहीं दे सकता फोन का। पैसे ला मंगवा फटाफट, पैसे मंगवा। मैंने क्या बोला था, मैंने कर फोन नहीं करे, बोली आ गए फोन तक कर सकता था। मैंने आपको बात करना है, तेरा मकान था खुद का। पैसे दो, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? पैसे नहीं दे रहे हो? हिम्मत नहीं है लेकिन हाथ उठाने के लिए। भैया देखो आप लिया तो देंगे, जरूर देंगे। इस आदमी की इंस्टॉलमेंट भरने में देर हो गई, इसलिए ये लोग उस आदमी के घर में घुसाए और उसकी फैमिली के सामने किस तरह उसे मारपीट करने लगे और बेइज्जत भी किया, ये आपने देखा। ऐसे में लोन लिया हुआ व्यक्ति अपनी गलती समझकर पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकता, लेकिन आप इस तरह के कंपनी से बहुत ज्यादा दूर रहे जो इस तरह पैसे वसूल करती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में चलती कार में एक लड़की को बंधक बनाने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए लड़की कार से बाहर निकलती दिखाई देती है, और फिर हम वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़का इस लड़की को कार में हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी का नंबर है 90399WC9336। सुनसान जगह पर कार में लड़की से जबरदस्ती की जा रही थी और इसी दौरान बाइक पर सवार दो लोगों ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। यह वीडियो इंदौर के पॉश इलाके का है। जब इस वीडियो में दिख रही लड़की का पुलिस ने पता लगाया और उसके घर जाकर इस मामले के बारे में पूछा तो लड़की ने कहा कि गाड़ी में जो लड़का था वो उसका भाई है और उन दोनों में झगड़ा हो गया था, जो कि अक्सर भाई बहनों में होता रहता है। आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बारे में हमने पता लगाया है। तो वीडियो में जो लड़की है उससे हमने पूछताछ की है। लड़की अपने भाई के साथ थी, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई और फिर बात कुछ और कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो हमने लड़की के बयान ले लिए हैं। तो उसने कहा है कि वो कोई गलत काम नहीं हुआ है, तो वो कोई कार्यवाही नहीं चाहती। बल्कि उस लड़की ने पुलिस से वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, और इसी के चलते इस वीडियो को जिसने भी रिकॉर्ड किया उन लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। उसने लड़की ने वीडियो वायरल होने पे भी बहुत दुख जताया है और वो चाहती है कि कुछ कार्रवाई की जाए जिन्होंने वीडियो वायरल किया है। तो कोई भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम इस विषय में जांच करेंगे। तो आपको क्या लगता है, इसमें किसकी गलती है, वीडियो रिकॉर्ड करने वाले की या फिर लड़की की? क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे
अमरनाथ में एक ऐसी घटना घटी जिसमें पुलिस चौकी के पास सेना के एक जवान की पिटाई कर दी गई। पूरी घटना पास की एक बिल्डिंग से मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी। घटना शाम के करीब 5:30 बजे अमरनाथ पूर्व के हुतात्मा चौक पर हुई। इस इलाके से सेना का एक जवान अपनी बाइक पर जा रहा था। उसी समय उस जवान के सामने एक बाइक सवार बाइक चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था, जो कि कानूनन जुर्म है, जिसे इस जवान ने देखकर उस आदमी से बाइक एक तरफ खड़ी करके फोन पर बात करने के लिए कहा। लेकिन इससे नाराज बाइक सवार ने पुलिस थाने के सामने ही जवान को रोक लिया और उसे गालियां देने लगा। जैसे ही जवान ने कहा कि वो एक फौजी है, तो बाइक सवार ने सीधे पूरी फौज को ही गाली दे दी। इसके बाद वो उस जवान को मारने के लिए कहीं से लाठी लेकर आया और उसने जवान के पैर पर जोर से मारा। लेकिन फिर इससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ और उस आदमी ने अपने साथी को पास के गैरेज से रॉड लाने के लिए कहा और खुद भी एक रॉड लेने चला गया। उस जवान को समझ आ गया कि इस पागल आदमी से उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए ये जवान वहां से चला गया। इसके बाद ये दोनों आदमियों ने बाइक पर सवार होकर उस जवान का पीछा करना शुरू कर दिया था। ये सब एक मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो क्या अब इस वीडियो के आधार पर इस गुंडागर्दी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब पुलिस थाने के सामने चल रहा था और फिर भी किसी ने कुछ भी नहीं किया। सच में उस जवान ने उस आदमी की भलाई के बारे में सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर एक गाड़ी और बाइक चलाने वाले के लिए अनिवार्य है, लेकिन जब भी कोई चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिस चालान कर देती है। लेकिन कुछ होशियार लोग इस चालान से बचने के लिए अजीब और नई नई तरकीबें आजमाते हैं। ऐसे कुछ हुआ दिल्ली में, जहां पुलिस वालों को एक गाड़ी ने परेशान कर रखा था। जब भी इस गाड़ी की फोटो किसी उल्लंघन की वजह से ट्रैफिक कैमरे में पकड़ी जाती, इसके नंबर प्लेट के ऊपर एक पर्दा लगा होने की वजह से पुलिस वालों को गाड़ी का नंबर ही नहीं पता चलता था। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार पुलिस ने इस गाड़ी को ढूंढ निकाला और इसके नंबर प्लेट का राज सामने आया। इस गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ एक ऐसी डिवाइस लगाई गई थी जो बटन दबाते ही गाड़ी के नंबर को छुपा देती थी। ये बेसिकली इसका पूरा सिस्टम है, ये रिमोट है। जब इसको वायरिंग से इससे फिट कर देते हैं, जैसे ही इससे रिमोट से यदि इसको दबाते हैं, तो ये शटर इसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर आ जाता है। बाकी यदि इसमें कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट यदि किसी तरह का कहीं मिलेगा, प्लस ये वाला है उसको एड एंड अबेटमेंट के लिए जो भी यूज कर रहा है, एप्रोप्रिएट एक्शन उसमें हो जाए। फिलहाल पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर रखा है, लेकिन यार बार बार गलती करने के लिए इस तरह का जुगाड़ करना कोई सही बात नहीं है। तो यार आप कभी ऐसा करने का कुछ भी ट्राई ना करें। तेलंगाना के वारंगल इलाके से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें चोरों ने अपनी सारी हदें पार करते हुए घर के बाहर पार्क की गई गाड़ी चुरा ली और ये काम करने के लिए चोरों ने क्रेन का इस्तेमाल किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए इन चोरों ने गाड़ी का लॉक तोड़ने के बजाय सीधे सीधे गाड़ी को क्रेन से उठा लिया और वहां से निकल गए, जो कि आप सीसीटीवी में देख पा रहे हैं। दूसरे दिन जब गाड़ी के मालिक को पता चला कि उसकी गाड़ी चोरी की गई है, तब उसने आसपास के सीसीटीवी को चेक किया और ये नजारा देखने के बाद मालिक के साथ साथ पुलिस भी चोरों की इस हरकत से हैरान हो गई। गजब डूबीवाज आदमी। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इन चोरों की खोज शुरू कर दी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।